सुप्रभात प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पाठ चल रहा है ईदगाह, आज हम उस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे संबंधित शब्दार्थ हम कर चुके हैं, कहानी को अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो चलिए अब देखते हैं कुछ प्रश्न उत्तर। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, हामिद ने मेले से चिमटा क्यों खरीदा? तो इसका उत्तर होगा, हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा क्योंकि उसकी दादी के हाथ रोटियां सेकते समय जल जाते थे, इसलिए हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा। हामिद देखता था ना कि उसकी दादी जब उसके लिए रोटियां बनाती है तो उसके पास चिमटा ना होने के कारण उसके हाथ जल जाते हैं। उसके बाद दूसरा देखेंगे, ईद के दिन बच्चे खुश क्यों थे? तो इसका उत्तर होगा, ईद के दिन बच्चे खुश थे क्योंकि उन्हें ईदी के रूप में पैसे मिले थे और वे मेला देखने जा रहे थे। जैसे कि आप लोगों को किसी भी त्यौहार पर पैसे दिए जाते हैं ना, खरीदने के, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, मेला देखने के लिए, तो इसी तरह से ईद पर बच्चे खुश थे क्योंकि उनके परिजनों द्वारा, उनके माता पिता द्वारा उन्हें ईदी के रूप में कुछ पैसे मिले थे ताकि वो मेला देख सके। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया? चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया? चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे और दुकानदार ने जो चिमटा था वो कितने पैसे का बताया था? 6 पैसे का बताया था। जब अपने पास जितने पैसे हैं उससे दुगने पैसे सुनकर, उस चिमटे का दाम सुनकर हामिद का जो दिल था वो बैठ गया। अगला क्वेश्चन है, अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? स्नेह मतलब प्यार में। अमीना कौन थी? हामिद की दादी। इसका उत्तर होगा, हामिद का प्यार, त्याग, सद्भाव देखकर अमीना का जो क्रोध था वो प्यार में बदल गया, यानी स्नेह देखकर में बदल गया। आप बोल सकते हैं कि हामिद का प्यार, त्याग और सद्भाव देखकर अमीना का जो क्रोध था वो स्नेह में बदल गया। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।